आज हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड टीवी में जो यूट्यूब चलता है उसका एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे यूट्यूब को आता है कि वहां पे जो यूट्यूब का स्क्रीन होता है, जो वीडियो का स्क्रीन, वो छोटा दिखता है। ये देखिए, वेलकम बैक टू टेक्नो यतीन चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल। आप यहाँ पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है लाइक करना ना भूले। अभी ये प्रॉब्लम मुझे भी आया था, इसको मैंने सॉल्व किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। ये देखिए, अभी मैंने इसको YouTube को ओपन किया है। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ सिर्फ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो वीडियो है, यानी जो ये एड हो गई वीडियो की, जो भी होगा, तो वो मुझे इतने से छोटे से स्क्रीन में दिख रहा था। ये पूरा अपने मेरे टीवी के फ्रेम में फिट नहीं हो रहा था। मैंने इसको बहुत सेट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। तो मैंने ये तीन सेटिंग अप्लाई की, उसके बाद ये हुआ। सबसे पहली सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो गए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाला है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूले और कमेंट्स कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम, आपको बैक आना है, आपको यूट्यूब के मेन डैशबोर्ड में आना है। YouTube के मेन पर सेटिंग में आने के बाद, YouTube पे मेन पेज पे आने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अलग अलग तरह के फीचर्स है, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद रिसीट ऐप, ये जो ऑप्शन है ये आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है कि ये पूरा जो YouTube है रिसीट हो जाता है। आपके जो लॉगिन किया है वो भी लॉग आउट हो जाता है। आपको फिर से लॉगिन करके इसको फिर से चेक करना है, इससे ही सॉल्व हो जाता है वो। सबसे पहली सेटिंग ये कीजिए आप, उसके बाद आप फिर से देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। नहीं सॉल्व हुआ तो आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि दूसरा तरीका भी क्या होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब अप्लाई करने हैं, उसके बाद ही ये होता है, नहीं तो ये वैसे ही रहता है। तो आपको क्या करना है, आपके टीवी के सेटिंग में आना है। ये देखिए, मैं जा रहा हूं ऊपर, देखिए आप सेटिंग में आने के बाद इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिशन सेटिंग में जाइए, उसके बाद यहाँ पे ऐप पे जाइए, ऐप पे यूट्यूब पे क्लिक कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए और यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट ऐसा बोल दीजिए, यानी ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अपडेट वर्जन आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आपको कैचे क्लियर करना है तो आप कैचे भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी यूट्यूब स्लो हो जाता है। तो ये दो दो तरीका हो गया। फिर आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको YouTube फिर से चेक करना है, और यहाँ फिर से चेक करने के बाद एक वीडियो प्ले करके देखिए, वो आपका पूरे स्क्रीन पे फिट हुआ तो यहाँ पे अपना आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। नहीं तो ये थर्ड सेटिंग आप यूज करके देखिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने पहला सेटिंग बताया उसको यूज करना है, उसके बाद सेकंड को भी यूज करना है, उसके बाद आपको थर्ड सेटिंग कैसी अप्लाई करनी है कि आपको ये दो सेटिंग अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे पीछे आना है और इसको रिस्टार्ट बोल देना है। यहाँ पे रिस्टार्ट करने के बाद ये पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है, और जो आपने 1 एंड 2 का जो सेटिंग अप्लाई किया था वो भी अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों करके देखिए ये।